खराब हो जाता है और इसको हम लोग फेंक देते हैं। तो आप लोग इसको फेंकिएगा मत, ऐसे आप लोग जो पके हुए मिर्ची होता है ना उसको आप लोग धूप में सुखा लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से सुखा ली हूँ, अभी सुखा के इसको हम लोग अभी चिली फ्लेक्स बनाएंगे। जी हाँ, हम लोग आज घर पे ही चिली फ्लेक्स बनाएंगे, आप लोगों को बाजार जाके इसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से घर में ही आप लोग चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में देखते रहिए आगे तक हम लोग कैसे इसको घर पे बनाएंगे। बहुत ही आसान है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंच लगा लेंगे और ऐसे एक हैवी पैन ले लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग पैन बिठा देंगे और यहाँ पे हम लोग जो मिर्चियाँ है ना, सूखी हुई मिर्चियाँ, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसको थोड़ा सा हम लोग 1 से 2 मिनट हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये हो गया है, अभी इसका हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। अभी इसको इस थाल में हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि इसको थोड़ा ठंडा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो ग्राइंडर में ग्राइंड ना हो, इसको थोड़ा सा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं, अभी इसको हम लोग ग्राइंडर में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का चिली फ्लेक्स बनके रेडी हो चुका है। इसको आप लोग कोई भी डिश पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, ये 2 से 3 महीने तक एकदम अच्छी तरह से रहेगा, लेकिन इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कितने आसानी से घर पे ही बना चुके हैं ये चिली फ्लेक्स। तो आप लोग घर पे बनाइए और कोई भी डिश के ऊपर इसको छिड़क दीजिए।